दोस्तों आप देखा है टेक्निकल सिवा दोस्त चैनल, आपको ही का दोस्त सिवा। इस वीडियो में बात करेंगे खान सर इतना फेमस क्यों है, खान सर का पता फास्ट करेंगे। तो इस वीडियो को पूरा देखिए शुरू से और आखिर तक, आपको डिटेल से समझ में आ जाएगा खान सर इतने आखिर में फेमस क्यों है। ऐसे बहुत से कोचिंग सेंटर है जो ऑनलाइन पढ़ाई कराती है लेकिन उतना नहीं ग्रोथ कर पाए जितना बेज व्यू जिनका आता, उससे बहुत लोगों का कम आता है जो स्टूडेंट टॉपिक पे बनाते हैं यानी क्लास चलाते हैं। तो यह क्यों इतना फेमस है, इतना इनका अच्छा खासा व्यू जाता है, क्यों इतना यूट्यूब से इनकम कर पाते हैं, तो चलिए जान लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं खान सर का पढ़ाने का जो तरीका है बहुत लाजवाब है। लाजवाब क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि प्रैक्टिकली उनके साथ मेरा बात बोलते हैं क्या, उनके साथ फ्रेंडशिप है या एक तरह से उनके मैं स्टूडेंट हूँ, तो काफ़ी अच्छे से पढ़ाते हैं। स्टूडेंट हूँ लेकिन वे स्टूडेंट की तरह नहीं पढ़ाते हैं, वे एक दोस्त की तरह पढ़ाते हैं, फ्रेंडशिप की तरह पढ़ाते हैं। जो भी अपने जो व्यूवर्स होते हैं या उनके स्टूडेंट होते हैं, उनसे यह नहीं सोचते कि मेरे स्टूडेंट हैं, मेरे बच्चे हैं, ऐसे नहीं। वे फ्रेंडशिप के जैसे बातें करते हैं, समझाते हैं, तब जाके उतने अच्छे ग्रोथ पे कर पाए हैं। अगर बहुत से टीचर हैं तो वे समझते हैं कि मैं हायर लेस पे हूँ, मेरे स्टूडेंट है, मेरे बच्चे हैं, मेरे व्यूवर्स हैं, तो इनको मैं अपना प्रॉपर जितने भी ज्ञान है वे एकदम मतलब समझ उस तक समझाऊँगा कि एकदम लगे कि हाँ मुझ में कुछ ऐसे ज्ञान है, एकदम हिंदी इंग्लिश झार के बताऊँगा तभी इनको लगे कि हाँ सर में कुछ नॉलेज है। ऐसे खान सर नहीं करते, वे एकदम आम जनता के जैसे बात करते हैं, इसीलिए शायद उतने फेमस है। उनके बताने का समझाने का तरीका कुछ लाजवाब इस तरह है, क्योंकि वे जो कि बिहार से बिलोंग करते हैं तो वे क्या करते हैं, कभी कभी बिहारी भाषा बोलते हैं यानी भोजपुरी का भी लैंग्वेज उसमें यूज करते हैं, जिसके तरह से जो भी स्टूडेंट होते हैं ज़्यादातर तो विलेज ही बिलोंग करते हैं, उनको इनकी भाषा काफ़ी पसंद आती है। बोलते समय ऐसे कुछ ऐसे वर्ड बोलते हैं जो लोगों को मस्ती उससे आ जाती है और उस पर खुश हो जाते हैं। जब मन खुश होता है तो जो भी टॉपिक आप याद करते हो या देखते हो सुनते हो तो वो काफ़ी ईजी तरीके से हमें याद हो जाता है। बात करते हैं तो अगर कोई आप मूवी देखते हैं तो आपका 2 घंटा 2.5 घंटा का मूवी A to Z याद हो जाता है। क्यों याद हो जाता है, क्योंकि उसमें गाना भी आता है, कॉमेडी भी आता है, मतलब वैसे कभी सैड सीन आता है, बहुत सा सीन आता है जो कि अलग अलग अंदाज पे रहता है, अलग अलग उस क्रिएटर होते हैं तो अलग अलग का सीन अलग अलग होता है। तो जो मानो हीरो के काम को होता है वे विलन नहीं करेगा, जो विलन है वो हीरो नहीं करेगा, तो अलग अलग पार्ट में बांट दिया गया तो आसानी से वे याद हो जाता है। एक खान सर कहते हैं पीछे उनका वॉलपेपर चलेगा, क्योंकि बोलते हैं ना देखने से ज़्यादा मतलब सुनने से ज़्यादा देखने पे आदमी को याद होता है कोई भी चीज़। तो वे दिखलाते भी है, बताने का तरीका जो वॉइस होता है वे भी काफ़ी उनका लाजवाब होता है। कोई भी बातों को समझाएंगे तो समझो अगर जहाज़ के ऊपर कोई वीडियो बना दिए या कोई भी मतलब बायो पे बना दिए या A to Z वो तो बहुत से टॉपिक पे वीडियो बना है, तो जिस टॉपिक पे बनाएंगे उसमें कुछ भोजपुरी की तरह लैंग्वेज यूज करेंगे और कुछ ऐसे मस्ती करेंगे, कुछ ऐसे फनी उसमें बनाएंगे करेंगे जिसकी वजह से उसमें हम लोगों को हंसी आएगा वहीं पर अपना खेल अन्य स्टूडेंट अन्य टीचर से वे कुछ अच्छा ग्रोथ वहाँ पे कर पाते हैं, क्योंकि अन्य टीचर ऐसा नहीं कहते वे सीरियस भी पढ़ाते हैं लेकिन ये मस्ती करके पढ़ाते हैं। जो भी चीज़ अब मस्ती करके सीखते हो वे कभी भूलता नहीं है, अगर जो सीरियस करके पढ़ोगे या देखोगे या करोगे फिर वे आपको भूल ही जाना है, क्योंकि वे सीरियस रहोगे तो फिर आपका माइंड वहाँ पे नहीं लगेगा, क्योंकि जब खुश आदमी रहता है तभी जाके वहाँ पे माइंड पूरा फोकस कर पाता है। यही खान सर करते हैं, खान सर का पढ़ाने का तरीका यही है कि जो भी टॉपिक बताते हैं उसमें बिना मस्ती कराए नहीं पढ़ाएंगे, और जो भी पढ़ाते हैं महिलाओं से रिलेटेड यानी उसमें कुछ उनका वर्ड यूज करेंगे जो, क्योंकि ऐसे बोलते हैं ना हाँ एक पुरुष महिला में कभी कभी कंपटीशन चलता है तो ऐसे वो बताएं कि ऐसे होगा वैसे होगा, और ज़्यादातर एक ट्रेंडिंग टॉपिक पर वीडियो बनाते हैं, इसकी वजह से अच्छा खासा व्यूज आ जाता है। और भाई तो तरीका है जो इनके एप्लीकेशन है, इनके कोचिंग सेंटर है, वहाँ से प्रमोट कर सकते हैं अपने चैनल को, फिर इनके चैनल पर अच्छे खासे 30 लाख से प्लस सब्सक्राइबर्स भी हैं, तो इनको फेमस इसी तरह होना है। तो इनको बोला जाता है अब्दुल कलाम के दूसरा मतलब वे क्या बोलते हैं दूसरा रूप,
ये भी काफी अच्छा है क्योंकि उन इतने बड़े इंसान से इनको कंपेयर किया जाता है, क्योंकि ऐसे काम करते हैं। एक स्टडी चैनल चलाना, उतना बड़ा मुकाम हासिल करना सब लोगों की बस की बात नहीं होती है। तो खान सर को अगर आप जानते हैं तो कोई बात नहीं, अगर नहीं जानते तो खान सर आप सर्च करेंगे यूट्यूब पर, भर भर की वीडियो आएगी, वहां से देख सकते हैं खान सर कौन है, क्या करते हैं, कैसे पढ़ाते हैं, उनके पढ़ाने का तरीका कैसा है। तो जाइए सर्च कीजिए और देखिए, क्योंकि खान सर से काफी हम सीखे कुछ है। तो भाई उनका गुरु दक्षिणा तो बनता देना, तो भाई उनके जाके क्या बोलते हैं कोचिंग सेंटर तो नहीं दे सकते, तो इसीलिए सोचे कि थोड़ा बहुत एक वीडियो उनके ऊपर बताया जाए कि उनकी अच्छाइयाँ क्या, उनकी बुराइयाँ क्या। बुराई तो कुछ नहीं है, बस यही अच्छाई है। तो बस इस वीडियो को अगर अच्छा लगा तो लाइक करके कमेंट में डाल दे, वीडियो कैसा था चैनल पर, बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।